थारे फोना में जीत जीतना भाईचारा है। आज सब तक ये वीडियो पहुंचा दो कि अरस चकाराज भीख मांग रहा है आप सब से। वह भीख मैं जब मांग रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरे पास एक चीज नहीं है। या मेरे सामने वह माँ है जिसका बेटा जेड़ में भाईचारे के लिए जा रहा है। इसके बेटे की कोई गलती नहीं है। ये जितने मेरे साथी चारों तरफ के देख रहे हैं इसलिए उठका रहे, या निर्दोष माँ इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। यो मेरा ताऊ, इसकी कुमान की उम्र रह रही, इसका बेटा इसका बालक मारे लिए जेड़ में जा रहा। मैं उन आदमिया की बात नहीं कर रहा जिन हरियाणा जलाया है। थारे बीच में एक अव्वा छोटा जा रहा है, जाटा ने हरियाणा जला दिया। मेरे भाई जिन पे केस दर्ज हो रहा चेक करो, वे अकेले जाट नहीं है, वे हर घर हर परिवार के हैं। या माँ या उसकी माँ को ना जो जेड़ में पड़ा, या माँ मारी माँ है, पता है किस लिए? इसका बेटा मारे लिए जेड़ में जा रहा रहे। और आप लोगों के बीच में थोड़ा भी दर्द नहीं होता? जब मैं घर पाया मेरे को बैठ के इन अपना दर्द बताया, न्यू बता दो मैं इनका शान क्यों करता रू, मेरी आख्या मासुआ रे। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनका जो घर परिवार जेड़ में पड़ा, एक आदमी कमानी यार वो बर्बाद होने लागे रे। ये न्यू बता दो या मैं किसके बाहर जागी क्यों करते हम काट रही था, एक बार तू बता दे सब तय भाई। कोई टाइम कौन कट रहा है बेटा, एक बस इन सब तो बता, पूरा भारत देखने लग रहा तो इस टाइम पे कोई टाइम कट रहा है जिसकी बेटे तेरे जान की मां का केजी ना बेटा। एक बार थोड़ा चिल्ला के बता, जोर तब बह रहे हैं, सुनते को ना सुनते हो तो वे भीतर ना पड़े रहे। उस मां का केजी ना बेटा जिसके बेटे लाल पड़े हैं जेड़ मां, हर लोग कहां के लिए पड़े हैं? को तारा घर धरती का रोला था ना, कोई रोला और कुछ था? कुछ किसके लिए जेल में जा रहे, एक बार न्यू बता दे। काम के लिए जा रहे बेटा, समझ मांगी? मतलब के यो भाईचारा, एक बताऊ तू बता, तेरा बेटा जा रहा तन्ने के लाग रहा जी? लाग रहा है के सारा शब्द कुमाणियन रहा अंदमणिया रहा। हां ये मेरी के उम्र रही है काम करने की। अरे श्यामी भैया खतर जेल का महंगा यार, यो बाबू या माँ ये सब कम थारे श्याम, यो गांव यो परिवार ये सब बेरा क्यों इकट्ठे हो रहे? शरप और शरप आप लोग गाना जगाती, शरप और शरप आप लोगों ने जगानती। 7 तारीख ने सिसा गांव में भाईचारे की पंचायत है जिसकी जिम्मेवारी अपन ने ले रखी। दलजीत सिंह सिसा अपना भाई है, उसके गैल 4 साथी और इसी गांव के जो अंदर हैं, ये सारे के साथी मारा इंतजार कर रहे हैं। अब हमारे भाई बाहर इकट्ठे होंगे और बाहर इकट्ठे होकर सबसे पहले उनने एक बात कही है, शरप और शरप इस भाईचारे ने जगा दो, मारा कसूर को न्या, हम जेल उम्र भर की भी काट लेंगे, हम छड़ भी जाएंगे, हमारी भीतर तो लास्ट ठान भी मत आइयो, लेकिन कम से कम इस सोनाले भाईचारे ने तो जगा दो। यो भाईचारा भी नहीं उठ रहा के माम ने तो खो है, इन मृत रपिये ना दे रहा के, मैं रपिये लेकर थारे श्यामी थूक बिलोऊ, इन मृत कोई मैं इन पर कुछ कर्जा ना ले रहा, अक मैं इनकी बोर बटाई करूं, मेरी आत्मा न्यू दुख है। मारे जो साथी मारे जो भाई वे जेल में पड़े और किसी के काना में कोई जू तक नहीं रहेंगे। यहाँ सिर्फ जातिवाद बनाकर मामला इतना आगे बढ़ा दिया, भाईचारा भाईचारे का दुश्मन हो गया। 7 तारीख ने सिसागाम में जो पंचायत हो रही, खान का पीन का तारा जुगाड़ कर रहा क्या सिर्फ इस मारे? अब तुम अपने भाइया के लिए उठकाओगे? यह आवाज भाईचारे की है, ना किसी एक कौम की, ना किसी एक जाति की, ना किसी एक धर्म की। अरे कम तक कम जाग लियो रहे, वे पाखंडी तो भाग्य देखा होगा, यशपाल मलिक पर 50 करोड़ का ठगी का केस दर्ज हो गया। केस किसने दर्ज कराया? सरकार ने। क्यों? क्योंकि सरकार इलेक्शन जीत चुकी है, इब उसका किस्सा खत्म, इब आगे छोटे इलेक्शन विधानसभा के, इब उसकी जरूरत नहीं रही। इब ये विधानसभा के इलेक्शन आगे ना, यो थारे दोरे एक मौका है, जय थार तो बारले कड़वाए जाते हो अपने भाई कट्ठे होकर और आवाज ठाक है। 7 तारीख ने या 7वां महीना 7 तारीख सुबह 11 बजे सिसाई गांव में पहुंच लियो भाई। और जब भी बस की नहीं है ना, ये फोन पांड राखने छोड़ दे यारो, ये झूठी कमेंट फरोड़बाजी फेकबाजी ये करनी छोड़ दो। मेरा फोन नंबर और बताऊं, थार तज थारी भी आख्या मासुआ में, तमने भी यो घर परिवार अपना लागे। मैं एक घर परिवार का चक्रा नहीं कर रहा, इसे 2000 घर परिवार हैं जिनके बच्चे भी तरजेड़ा में पड़े। 816-864-0039 यो मेरा फोन नंबर है भाई, जिस भाई का मन करता हो, जो भाई आवे आशी का इशार का नार नोंद का जींद का, अरे कम से कम याडे का भाईचारा तम तो उठ लो रहे।
ये जो भाई लिखन लाग रहे जय जाट फलाना जाट, जाट की बात नहीं कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूँ 36 जात के भाईचारे न जोड़न की। अरे इस चुनाव तो पहले वो जोड़ना है और जेड़ा में जो बेगुना भीतर पड़े वे कटवाने हैं, जो गुना कर रहे हैं वे बाहर नहीं कटवाने भाई, हम कटवाओगे सिर्फ और सिर्फ बेगुना भाइया ने, वे मारे कारण भीतर पेसन लाग रहे रकम तकम इस तरह बड़ी आत्म लाकर ऑन रोड खड़ा करके अपने हाथा की अपने भाइया नाड़े काट के मार लो अपना मारा छा में गिर उड़ खाम का भी क्यों मरवाण लाग रहे और उन्हें छड़ा के थारी समझ में मेरे हिसाब से आगी होगी और जब भी समझ में नहीं आवे तो भाई थारी मर्जी है। यो चुनाव चला गया कुत्ता भी नहीं बुझेगा तुमने 5 साल तक, कुत्ता भी किसी के घर का ऐसा जुगाड़ नहीं घंटे टमाटर भीतर पहुँचा दे।